मैं सिंपल लैंग्वेज में बिलीव करता हूँ, सिंपल डेफिनेशंस में बिलीव करता हूँ. एक सिंपल चीज है, एक इंडिया में वर्ड होता है औकात, है ना. एक हमारे इंडिया में ही होता है, वो हिंदी में है, गुजराती में है, ये इंग्लिश में उसका मजेदार इक्वल आता नहीं है. स्टेटस इज नॉट सेम क्वालिटी, यू नो. बट इंडिया में एक वर्ड है औकात, वो सबको बता दिया जाता है कि बेटे औकात में रहो, यही बोलते ज्यादातर, औकात में रहो. क्योंकि सबको अपनी औकात पता है कि मैं इस घर में पैदा हुआ हूं, मेरे माँ बाप की इतनी सैलरी है, मेरे घर का साइज इतना है, मैं इस शहर में हूं, मैं इतना ही कर सकता हूं. लेकिन तो वरुण ने जो किया वो कोई छोटी बात नहीं है, वो स्टार बना है, लेकिन उससे एक्सपेक्टेड था भाई, तुम्हारी औकात की चीज है वो. जो लड़की ने किया उसने औकात को पार किया. सो स्पेशली फॉर यंग पीपल, तुम चाहते हो ना लोग आपको सक्सेसफुल माने, कुछ ऐसा करो जिससे आपकी औकात पार हो जाए. थोड़ी सी औकात पार करोगे ना तो दुनिया आपको बहुत सक्सेसफुल मानेगी, आपके लोग, राइट. और मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूं, अपना एग्जाम्पल बताता हूं. मेरी औकात ये थी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं और मैं 15-16 साल का था तो मेरे 10th में 76% मार्क्स आए थे. अब 76% आप जानते हो, इतना अच्छे मार्क्स, वो भी मिडिल क्लास मार्क्स हैं, मिडिल ऑफ द क्लास. तो मैं 15-16 साल का था, मैं घर आया, घर पे मेरे मामा जी आए हुए, मम्मी बैठी हैं डाइनिंग टेबल पे, सब आसपास बैठे हैं, थोड़ा शोक का माथम साया हुआ है. 76% आ गए, बैठे हैं लोग चुपचाप खाना खा रहे हैं. फिर थोड़ी देर बाद बोला मामा जी ने, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा. इंडिया में एक ये बड़ा, उनको लगा कि बहुत बड़ी बात कह दी है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा. अब सोचो मेरे अंदर क्या फीलिंग आ रही है, मुझे लगा मैं भी कुछ कर सकता हूं, पर ज्यादा होप नहीं है मुझसे. मेरी औकात मेरे दिमाग में घूम रही है कि 76% वाली औकात है बेटे अब तुम्हारी. अच्छा, या तो तुम कोई बहुत बड़े बिलियनर के बेटे हो, फिर तो 76 भी आ जाए तो कोई बात नहीं. आप मिडिल क्लास घर से हो और आपके मिडिल क्लास मार्क्स आ गए, फिर तो बेटे आपकी औकात इतनी है. चलो बेटे कोई बात नहीं, गुड नाइट. ठीक है भाई, मैं अपने कमरे में चला गया. अपने कमरे में जाके मैंने कहा मैं करूंगा क्या, तो मैंने एक प्लान बनाया अपनी औकात के हिसाब से. उस टाइम पे इंडिया में एक लेटेस्ट चीज आई थी, जो आप यंग जनरेशन डजंट इवन नो दिस, एसटीडी बूथ. ये सोफे में जो बैठे हैं उनको पता है, हमें याद है 10 बजे रात को रेट सस्ते होते थे, लाइन लगने, यहां से बड़ौदा फोन करना है आपको लाइन में लगना पड़ता था. इट्स नॉट लाइक आज की डेट में व्हाट्सएप वीडियो कॉल, दूर दूर की बात है. तो उस टाइम ये एसटीडी बूथ आ रहे थे, तो मैंने कहा यार ये खोलूंगा मैं, और अगर मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया तो मेरे 2 हो जाएंगे और एक दिन मैं 4 एसटीडी बूथ चलाऊंगा. मेरा ये सपना हो गया. सर ने कहा सपना पूरा करना सक्सेस, ये मेरा औकात, इट इज लाइक औकात के बराबर सपना लेना. मैंने ले लिया. मैंने जाके अगले दिन डाइनिंग टेबल पे फिर बोला, अच्छा देखो मेरा ये प्लान है, मैं एसटीडी बूथ खोलूंगा और ऐसे ऐसे हो जाएगा, बड़ा अच्छा है, लोग आएंगे पैसे देके जाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो हम लड़कियों को फोन करेंगे, इट्स नॉट बैड बिजनेस. ये नहीं बोला मैंने मम्मी को, पर मैंने कहा एसटीडी बूथ खोलना, ठीक है. मामा जी ने कहा ठीक लग रहा है, इतना तो कर लेगा, ठीक है, गुड प्लान. अब वो प्लान आज की डेट में पता नहीं क्या कर रहा होता, एसटीडी बूथ ही नहीं, अब मैं जियो के सिम बेच रहा होता या पता नहीं. एनीवे, मैं फिर से रूम में गया और मैंने देखा कि यार मैं 15 साल का हूं और मेरी लाइफ का फैसला हो गया, मेरी औकात का ठप्पा मेरे ऊपर लग गया कि बेटे तुम्हारी औकात है, अब जाके एसटीडी बूथ खोलो और जीवन बिताओ, इससे अब बड़ा सपना नहीं लेना. तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई है, ये तो लोगों ने मेरे को एक साइड पे कर दिया और ये कल मेरे 10th में मार्क्स इतने आ गए उस वजह से. मैं कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो लोग मुझे बोले नहीं यार इस मतलब ऐसा नहीं है, ये और भी कुछ कर सकता है.
तो मैंने कहा यार इंडिया का सबसे मुश्किल कॉलेज कौन सा है जिसमें एडमिशन, मतलब मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं थी, तो मैंने पता किया कि भाई आईआईटी है, आईआईटी में अगर आप का हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर उसके लिए 2 साल की तैयारी थी। तो मैंने कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए ये करना पड़ेगा, नहीं तो कोई मुझे उसके आगे सोचेगा नहीं। तो मैंने उस हिसाब से उस औकात को क्रॉस करने के लिए मैंने वो आईआईटी की तैयारी की, फिर मेरा हो गया। फिर मामा जी फिर आए घर, फिर उन्होंने कहा वैसे कुछ ना कुछ तो था इस लड़के में, मुझे हमेशा से लगता था कुछ है इसमें। मैं कहा तब तो कहा नहीं कुछ, तो उन्होंने कहा तो जब औकात क्रॉस हो जाती है तो लोग आपको मानने भी लगते हैं। और एक बार मैंने फिर जब वो क्रॉस किया तो मैंने सीखने की कोशिश की कि ये कैसे किया मैंने, हाउ आई वॉज एबल टू डू दिस। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत जीनियस था, मेरे 76% मार्क्स आए थे, ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई बहुत ही स्टेट टॉपर था। तो मैंने कहा कुछ मैंने क्या तरीका अपनाया इसको करने के लिए और क्या मैं और चीज़ों में कर सकता हूँ। वही तरीका मैंने आईएम एडमिशन के लिए किया, वही तरीका मैंने पहली बुक लिखने के लिए किया, वही तरीका मैंने फिल्मों में जाने के लिए किया, और उससे मैंने एक पैटर्न बनाया कि सक्सेस कैसे मिलता है, स्पेशली उन लोगों को जो बॉर्न जीनियस नहीं है। मैं तो नहीं हूँ। 2 तरह के लोगों को बुलाया जाता है ऐसे टॉक्स पे, एक तो जो सुपर जीनियस है, अब आप सचिन तेंदुलकर को बुला लो आप बोलोगे अरे वाह सचिन तेंदुलकर आ गए, यू विल बी वेरी इंप्रेस्ड, लेकिन अंदर से आपको पता है कि ये सचिन वाला टैलेंट मेरे में तो है नहीं, मैं तो नहीं वैसे बैट घुमा सकता। तो अच्छी बात है देखना, लेकिन आप वो नहीं बन सकते। लेकिन कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको देख के लगता है यार इसकी निकल पड़ी तो मेरी भी हो सकती है, ऐसे नमूनों की ज्यादा वैल्यू है, मैं उनमें से एक हूं, अगर मेरा हो गया तो आपका भी हो सकता है। तो कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा बताने की, आई विल ट्राई टू टेल यू दिस। पर पहली बात ये है, आप चाहते हो ना स्टूडेंट्स की लोग आपको सक्सेसफुल माने घर में आसपास सब कुछ, कुछ ऐसा करो जो आपकी औकात पार हो जाए। सबकी अपनी अपनी औकात होगी, उसको उसके बराबर रहोगे तो नहीं लोग मानेंगे, यू नो कुछ और करना पड़ेगा, जो आपका फैमिली ने अचीव किया उससे नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, तब लोग आपको मानते हैं। आपने क्लियरली एग्जाम्पल में देखा। मेरा गोल जो आज है अलग है, पहले लाइक आई सेड मेरा गोल था अच्छे कॉलेज में जाना, बट टुडे मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत लोग मेरी बात सुनते हैं पढ़ते हैं। तो मेरा एम सोसाइटी में बदलाव लाना है, एक सोसाइटी को बेटर बनाना है। इट्स नॉट वेरी डिफरेंट दैट वे फ्रॉम व्हाट सरदारधाम इज ट्राइंग टू डू, कि मेक मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। लेकिन हर एक का अपना अपना तरीका है। मेरा तरीका है पहले लोगों का मनोरंजन करो, पहले एंटरटेनमेंट करो। आप सब लोग मेरी बात क्यों सुन रहे हो, क्योंकि 3 इडियट्स, क्योंकि 2 स्टेट्स, काइपोचे, ये सब चीज़ों की वजह से आप मेरी बात सुन रहे हो आज। लेकिन आज मैं लव स्टोरी तो नहीं बता रहा आपको, आज तो मैं आपको कॉलेज के लड़कों की कहानी नहीं बता रहा, आज तो मैं आपसे तो जैसे मदारी पहले तमाशा दिखाता है फिर बाद में चूरन बेचता है, तो मैं अभी वही करता हूँ, अभी चूरन की बारी आया है। ठीक है ले लो, अच्छा है। ये मेरी बुक्स हैं, आप में से काफ़ियों ने शायद पढ़ी होंगी। ये मेरी फिल्में हैं, आप में से काफ़ियों ने देखी होंगी। ये वाली लास्ट ईयर आई थी, देखी कितनों ने, देखी हाफ गर्लफ्रेंड, ओके। एंड मैं अखबारों में लिखता हूँ, आज भी अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखें तो उसमें आया है आर्टिकल, और हिंदी में मैं लिखता हूँ, गुजराती में लिखता हूँ, और हॉरर शोज में भी कभी कभी जाता हूँ मैं। ये शो अकेले मत देखना, आप मेरी शक्ल देखो क्या मेरी हालत हो रखी है वहाँ। और मैं ऐसे टॉक्स करता हूँ, ट्विटर पे एक बहुत बड़ा जरिया है, 1 करोड़+ लोगों तक मैं डायरेक्टली पहुँच सकता हूँ। ये सब कई लोग कहते हैं ये एक तरह का सक्सेस है। जिसका सपना एसटीडी बूथ खोलने का था वो यहाँ तक कैसे हो गया, कई बार मुझे भी हैरानी होती है, लेकिन हो सकता है राइट। इतना नहीं तो अपनी औकात तो आप पार कर ही सकते हो, और वही मैं आपको बताऊंगा बुक करना कैसे है। मेरा आज डिपार्टमेंट सिर्फ बुक्स नहीं है, बुक्स, फिल्म्स, न्यूज़पेपर कॉलम्स, टेलीविजन, सोशल मीडिया, आई रीच 100 मिलियन इंडियंस ऑन रेगुलर बेसिस, एंड ये सब तो मेरा था। अब मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे करना है राइट। औकात आप समझ गए, सक्सेस आप समझ गए, अलग अलग डेफिनेशन,
अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अगेन स्कूलों में नहीं सिखाते, कॉलेज में नहीं सिखाते लेकिन आई विश मुझे कोई बता देता तब, मैंने बाद में सीखा। इंग्लिश में से बोलना चाहे तो कह सकते हैं शॉर्ट एफर्ट गोल्स वर्सेस लॉन्ग एफर्ट गोल्स, मतलब छोटी मेहनत वर्सेस लंबी मेहनत। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैं आपको बोलूँ कि आपका कमरा गंदा है, ज़रा कमरा साफ कर लो, आपको कितनी देर लगेगी? एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे, बहुत ही गंदा हुआ तो। अगर मैं आपको बोलूं कि यार आज शाम को लोग आ रहे हैं घर पे, आपको खाना बनाना है, आपको कितनी देर लगेगी? वही दो चार घंटे, राइट? अगर मैं बोलूं आपको बाजार से सब्जी लानी है, जाओ भाई ले आओ, कितनी देर लगेगी? दो तीन घंटे। ये रोजमर्रा की लाइफ है, लाइफ ऐसे चलती है, रोज रोज ऐसे काम आते हैं छोटे छोटे और आप अपना काम करते हो। किसी ने कहा सक्सेस है गोल अचीव करना, गोल अचीव हो गया, आप सब्जी ले आए तो गोल अचीव हो गया ना आपका, पर आप उसे सक्सेसफुल तो नहीं मानते। कभी आपने सुना है कहते हुए ये भैया ये बहुत सक्सेसफुल आदमी है, कल 3 किलो टमाटर खरीद के लाया? नहीं कहते, जबकि काम वो भी है, मेहनत उसमें भी लगती है और रोज जाके लाना भी है, वो भी मतलब रोज का काम है वो, इसलिए उसे सक्सेसफुल नहीं मानते। वो छोटी मेहनत के काम है, मतलब कुछ घंटों के। अच्छा, कुछ घंटों के काम हमें करने की बहुत आदत है, बहुत हम रोज करते हैं ना, क्योंकि अगर सपोज करो ये जो मैंने सारे काम बताए आपको, आपका करने का मन नहीं है, आपने कहा कि मुझे नहीं करना कमरा साफ, आप कैसे साफ करते हो? अपने आप को मन में कहते हो चल कर ले यार, खत्म करना, खाना नहीं बनाना मैंने, अरे बना के छोड़ो फिर टीवी देखेंगे, जाओ सब्जी ले आओ अभी, फिर खत्म करो काम। आपका मोटिवेशन नहीं भी है ना अंदर, इसको आप एक धक्का मार मोटिवेशन से आप कर सकते हो, करेक्ट? इसे मैं धक्का मार मोटिवेशन कहता हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है सारे काम आपका करने का मन हो, ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन फिर भी आपको करना है तो आप अपने आप को धक्का मार के मोटिवेट कर सकते हो और इस बेसिस पे आप रोज जिंदगी चलाते हो। प्रॉब्लम यह है जब आपको औकात पार करनी होती है तो आपको कोई ऐसा काम करना होता है जिसमें लंबी मेहनत होती है, सालों की मेहनत भी हो सकती है, कुछ महीनों की तो होती ही है, तभी उसको कहते हैं कुछ बड़ा किया तुमने भाई, इसने क्या किया है? कुछ बड़ा किया। बड़ा का मतलब यूजुअली आप देखो उसके पीछे कई महीनों की या कुछ सालों की कड़ी मेहनत होती है, वो धक्का मार से नहीं आप मोटिवेट कर सकते, और ये सबसे बड़ी गड़बड़ स्टूडेंट्स करते हैं और फिर हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि यार मुझे एक और बुक लिखनी है, मैं परसों तक लिख लूंगा, मैं कर सकता हूँ? मैं बोलूँ एक और फिल्म बनानी है, एक हफ्ते में बन जाएगी, हो सकता है? IIT की तैयारी करनी है, 10 दिन में हो जाएगी? नहीं हो सकता। मेरे को वेट लूज करना है, सपोज करो आप कोई बोले मेरे को यार वेट किलो लूज करना है, 10 किलो अगले वेंसडे तक हो जाएगा, हो सकता है? हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता। ये सारे काम नहीं हो सकते जल्दी में, ये काम जल्दी में नहीं होते, धक्का मार मोटिवेशन तो फिर नहीं चलता इस पे। होता क्या है, बच्चे बोलते हैं अच्छा यार बहुत हो गया, अभी मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया था, कल से पढ़ाई चालू है, मैं कर रहा हूं तैयारी, कल से मैं रोज 15 घंटे पढ़ूंगा IIT के लिए। ओके, वेरी गुड, सब कहते वेरी गुड बेटे पढ़ो। नेक्स्ट डे आपने 15 घंटे पढ़ाई की, उसके अगले दिन 10 घंटे पढ़ाई की, फिर 5 घंटे करी और नेक्स्ट डे कहा मुझे IIT जाना ही नहीं है, ये क्या बकवास है, ऐसे क्या सारे कौन जाता है, क्या इसका इसके बिना कुछ होता नहीं क्या लाइफ में? देखो क्या हो रहा है, आपका दिमाग क्विट कर रहा है, आपका दिमाग कह रहा है भाग ले बेटे, ये बहुत मुश्किल है, 2-3 दिन ट्राई किया हुआ नहीं, भाग ले। हर चीज में होता है, आप डाइटिंग, अच्छा कल से वेट लॉस अभी हो रहा है, अब डाइटिंग होगी कल से बस, जो इम्पॉसिबल है गुजरात में मेरे ख्याल से, जो यहाँ के खाने हैं मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। आपने कहा कि ठीक है बस अब से सैलड खाएंगे और ये होगा और वो बॉइल्ड खाना, ये शुरू हो गया, शाम को पार्टी हो गई, गुलाब जामुन आ गए, फ्रेंड ने आपके कहा टेस्ट तो कर लो, इंडिया के आधे कैलोरीज तो टेस्ट से आ रहे हैं, खा नहीं रहे हम कुछ, हम वो टेस्ट कर रहे थे,
खा थोड़े ना रहे थे यार, हम तो फेमस है यहाँ का, फेमस फेमस गुलाब जामुन, कितनी जगह के फेमस गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन तो टेस्टी होगा ही, उसका नाम है गुलाब जामुन। पर आपने खा लिया, अगले दिन उठे परौंठे बन गए, खा लिए। फिर आपने कहा यार अभी मेरी डाइटिंग छूट ही गई है तो अब मैं खा ही लेता हूँ, करते हैं ना हम ये। आपको पता है ये इसका इक्वल क्या है? इसका इक्वल आप सड़क पे चल रहे हो, आप कीचड़ में गिर गए, फिर आपने बोला अब मैं कीचड़ में गिर ही गया हूं तो थोड़ा और लोट लेता हूं। अब तो गिर गए ना, अभी लोट लेते हैं, बजाय इसके कि अरे गिर गए उठो साफ करो और आगे बढ़ो, नहीं 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 अब तो गिर गए, अब तो मेरी डाइट खराब हो गई है, अब तो मेरी पढ़ाई छूट गई, अब छोड़ो जाना ही नहीं है, ये होना शुरू हो जाता है। हो क्या रहा है, आपने लंबी मेहनत का मिशन लिया, आपने छोटी मेहनत का धक्का मार स्टाइल नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा वाला सिस्टम ट्राई किया, वो टूट गया, तीन दिन में गेम ओवर, आपकी पढ़ाई छूट गई, गेम ओवर। आपने कहा ये मेरे से तो बस की नहीं है, ये तो जीनियस लोग ही करते हैं, मैं तो कर ही नहीं सकता। एंड दैट इज द गड़बड़, बिकॉज आई एम टेलिंग यू आई हैव बीन टू दोज कॉलेजेस, आई हैव डन इट माई सेल्फ। ऐसा नहीं है, कुछ जीनियस जरूर आते हैं, कुछ जीनियस जरूर लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बहुत सारे नॉन जीनियस भी लाइफ में अच्छा कर लेते हैं। वो कैसे? उन्हें लंबी मेहनत का सिस्टम आता है, और वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जब भी कोई कहता है ये काम इम्पॉसिबल है, मेरे लिए इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल नहीं होता, वो एक बेसिकली औकात पार करने वाला काम होता है। तो इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन, नामुमकिन नहीं होता, उसको अगर आप पीछे जाओगे मतलब वो लंबी मेहनत का काम है, उसके पीछे सालों की मेहनत है। तो पहले तो ये कहना छोड़ दो कि ये काम नामुमकिन है, नामुमकिन नहीं, ये काम में तो यार 5 साल की मेहनत है, वो अलग स्टेटमेंट है। 5 साल की मेहनत फिर भी की जा सकती है, अगर आप नामुमकिन बोल दोगे तो फिर तो आप ट्राई नहीं करोगे, राइट? सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रियलाइज, कि हर चीज का एक बड़ी मेहनत का सिस्टम बनाना है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, फिर से यहाँ लिखे हैं, राइटिंग अ बुक, ट्रेनिंग फॉर मैराथन, लूजिंग वेट, डी एडिक्शन, क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एंट्रेंस एग्जाम, ये सारी चीजें वैसे तो बहुत अलग है, एग्जाम की तैयारी और एवरेस्ट में चढ़ना, लेकिन मेंटली प्रिपरेशन आइडेंटिकल है, मेंटली इट्स द सेम गेम, यू नो। कैसे करना है? आई यूज 6-step process एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू गो ऑन एंड ऑन टुडे, बट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू यू। फर्स्ट थिंग इन लाइफ, यू नीड टू नो हाउ टू सेट अ क्लियर गोल, ठीक है? अगर मैं आपको बोलता हूं कि अच्छे कॉलेज में जाना है, तो ये गोल है? बोलो। अगर मैं बोलूं कि पतले होना है, गोल है? बोलो जोर की। ये गोल नहीं है, बताऊं क्यों नहीं है? कब पतले होना है आपको? अगले 25 साल में या अगले 3 महीने में? कब आपको कॉलेज में जाना है? 2 साल में? कौन से कॉलेजेस की शॉर्टलिस्ट है आपकी? जब तक आप उसके स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं डालोगे, मुझे 6 महीने में 5 किलो वेट कम करना है, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल विच इज रिलेटेबल बट कैन अप्लाई टू एनीथिंग, मुझे 5 महीने में पूरी फिजिक्स की तैयारी करनी है, जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक वो गोल नहीं है, वो सपना है। सपने लेते रहो, सपने लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपना तो आप जो मर्जी ले सकते हो, पर यहां पर मेरे को बोला है, बोलेगा अचीविंग योर ड्रीम्स, आपको सपने प्राप्त करने हैं, उसके लिए सपने को गोल में बदलना पड़ता है। मैं बोलूं यार एक और पिक्चर बनानी है, कब बनानी है? 2 साल बाद बनानी है? नहीं, 2019 तक एक और मूवी करनी है मेरे, तब वो गोल बन जाता है। तब क्या होता है कि मैं बोल सकता हूं कि मैं पीछे कैलकुलेशन चालू हो जाती है कि 2 साल है मेरे पास, 2 साल में मेरे को ये काम करने हैं, इस डेट तक ये काम होगा, इस डेट तक ये काम होगा, इस डेट तक ये काम होगा। वो गोल बिना लाइफ नहीं आप जी सकते। सबसे बड़ा डिफरेंस जो लोग प्रोग्रेस करते हैं और जो नहीं करते, ये है जो लोग आगे बढ़ते हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई गोल हमेशा होता है। उनसे अगर कोई पूछे भाई व्हाट इज योर गोल, दे कैन इमीडिएटली आंसर दिस इज माय गोल्स और 2 गोल्स और 3 गोल्स, दीज आर माय 3 गोल्स फॉर नेक्स्ट ईयर। इफ यू डोंट हैव, कुछ भी कर लेंगे यार, तो कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी? लंबी मेहनत हो ही नहीं सकती जब तक आपको पता ही नहीं है कर क्या रहे हो। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड इज द रीजन बिहाइंड द गोल। बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखता हूँ बोलते हैं हाँ करना है हमें IAS करना है, हमें ये मेडिकल में जाना है, ये क्यों जाना है?
पापा कह रहे थे, मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं और करूं भी क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो चलो यही कर लेते हैं, ये इजी लग रहा है। ये सब बकवास रीजन है, टू बी ऑनेस्ट, ये इतने बकवास रीजन है कि आपका दिमाग आपको क्विट करवा देगा, गारंटी लिख के ले लो। क्योंकि मम्मी के कहने पे लंबी मेहनत नहीं होती, लंबी मेहनत होती है जब आपका अपना दिमाग कहता है, लंबी मेहनत होती है जब आप अंदर से यू फील कि ये मुझे करना है, मेरे लिए इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है लाइफ में, फेसबुक बाद में कर लूंगा, इंस्टाग्राम बाद में कर लूंगा, लेकिन ये गोल का काम मैं पहले करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई फर्क पड़ता है आपको 10 लाइक कम आ जाए एक फोटो पे, कोई फर्क पड़ रहा है? हम सारा टाइम उसी में इतना टाइम घंटों वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपका रीजन हो कि नहीं यार, ये मैं तो इसीलिए जी रहा हूं, मैं सुबह उठता ही इसलिए हूं, दैट इज द काइंड ऑफ पीपल हु डू वेल। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद इंटेलिजेंस, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद बीइंग जीनियस, इट इज जस्ट मेंटल स्पिरिट कि मैं उठाऊ ना आज तो मैं लाइफ में कुछ पॉजिटिव करूंगा, नहीं तो मैं मेरा और कोई पर्पस नहीं। बाकी एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रैक्शंस, फ्रेंड्स, वो सब है, रिलैक्स हर कोई करना चाहता है, लेकिन मैं उसके लिए जी नहीं रहा हूँ, जी मैं किसी और चीज के लिए रहा हूँ, वो चीजें मैं रिलैक्स करने के लिए करता हूँ। दैट इज अ क्लियर डिफरेंस इन द माइंड ऑफ अ पर्सन हु विल इवेंचुअली बिकम सक्सेसफुल। जस्ट दिस एटीट्यूड यू ब्रिंग टू योर सेल्फ ना, यू विल सी कैसे आप औकात पार करना शुरू करते हो। फाइंडिंग द ग्रुप, संगत एक चीज होती है हमारे समाज में, कहते हैं संगत अच्छी रखो, संगत बहुत जरूरी है। अगर आपके सारे फ्रेंड्स फेसबुक में एडिक्टेड हैं और आप अकेले बेचारे बैठ के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सब आपको बोलेंगे अरे क्या पागल है, यू आर नो फन। बट अगर आपके सारे फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं तो आप भी कर लोगे। व्हेन आई वाज इन माय स्कूल वाज आर्मी पब्लिक स्कूल, नोबडी वाज सीरियस अबाउट स्टडीज देयर। आई वॉन्टेड टू स्टडी फॉर IIT, I had 4 people who were serious in a class of 300 12th class students. I made friends with them. I discussed notes with them. I shared things with them. Out of 4, I think 3 made it also. So you have to make that group. Agar aap akele dieting kar rahe ho aur ghar pe sare pakode tal rahe hain, to bhaiya kabhi nahi hone wala. Agar aapke ghar pe healthy khana banta hai to aap bhi kha loge. It's as simple as that. Apna group, apni sangat jo hai, बहुत ध्यान से चुनो। यू नो इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इट मैटर्स। यू नो डिटेल्ड एक्शन प्लान, ये अल्टीमेटली स्टेप है सबसे बड़ा, कि लंबी मेहनत को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। सी अल्टीमेटली आपको काम तो डेली बेसिस पे ही करना है, और डेली बेसिस पे आप धक्का मार स्टाइल लगा सकते हो। तो अगर आपके 50 चैप्टर हैं जो एक साल में करने हैं, तो आपको पता है कि हर हफ्ते मुझे एक चैप्टर करना है, इसका मतलब है कि एक चैप्टर में मतलब 15-20 घंटे लगते हैं, तो हर रोज मुझे 3-4 घंटे पढ़ना है। तो कट 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 करके आपको डेली का कोटा मिल जाता है कि मुझे 3-4 घंटे। अब वो 3-4 घंटे में आप धक्का मार लगा लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बोलो यार आज के 3 घंटे नहीं हुए, चल ये कर ले यार। सेम मेरे को हफ्ते में रोज आधा घंटा जिम जाना या जो भी है, वो आधा घंटा धक्का मार कर सकते हो, दैट इज ओके, बट यू के नॉट डू इट फॉर द होल थिंग। सो यू नीड टू ब्रेक इट डाउन। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, हाथी को कैसे खाओगे, कैसे खाओगे हाथी को, छोटे छोटे पीसेस करके खाओगे ना, पूरा तो नहीं खा सकते। तो एक लंबी मेहनत का काम है, उसको छोटे छोटे पीसेस में करना, दैट इज एक्शन प्लान। कि भैया इस महीने ये काम होगा, इस महीने ये होगा, इस महीने ये होगा, ये और मेरा इस हफ्ते का ये टास्क लिस्ट है, डेली की ये है और ये करना है। देन इज सेटबैक डीलिंग मैकेनिज्म, मतलब आप बेस्ट प्लान बना लो, आप बेस्ट रीजन बना लो, लेकिन आप जी तो दुनिया में रहे हो ना कभी किसी कजन की शादी हो जाएगी, कोई घर पे बीमार हो जाएगा, कुछ और डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, आप कीचड़ में गिर जाओगे, क्योंकि लंबी मेहनत है, लंबा रास्ता है, किसी ना किसी दिन तो गिरोगे कीचड़ में। अब वो सेटबैक से कैसे डील करते हो आप, वो बहुत डिसाइड करता है। बहुत लोग बड़े अच्छे इंटेंशन से चालू करते हैं, बीच में कुछ आ जाता है गड़बड़, आपने प्लान बनाया था 3 महीने में इतना करेंगे, 10 दिन तक टोटल वेस्ट हो गया। मेरे साथ होता है, मैं प्लान बनाता हूँ राइटिंग का, रोज 2 पेज लिखने हैं, कुछ एंगेजमेंट आ गई, कुछ आ गई, डिरेल हो गया प्लान। अब वो है कि या तो मैं बैठ गया यार अब तो घर बर्बाद हो गए हम तो, भाई छोड़ो छोड़ो ये क्या बकवास गोल लेके बैठ गया हूँ,
या फिर बोलो कोई बात नहीं यार, गिर गए कीचड़ में, उठ के नहा के फटाफट चालू करेंगे दोबारा, दैट्स ऑल। क्विट नहीं करना है, क्विट कर दिया तो आपको हैंडल नहीं करना आया कि भाई कैसे वापस रिवाइज बनेगा प्लान। ठीक है, चार हफ्ते में करना था, एक हफ्ता वेस्ट हो गया, अब एक हफ्ता और जोड़ो और करना है, या हर रोज आधा घंटा एक्स्ट्रा करके पूरा करना है, जैसे भी आप करना है आप करोगे, राइट। एंड फेथ, होता क्या है कि जब आप कोई लंबी मेहनत कर रहे होते हैं तो बीच में बहुत एंग्जाइटी आती है। मैं फिल्म में काम कर रहा था, बीच में मुझे लगता है यार ये चलेगी नहीं, मैं बुक पे काम करता हूँ, मुझे लगता है पता नहीं कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पता नहीं मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, ये माइंड के गेम्स हैं। दिमाग तो बोलेगा ही, घबराएगा ही, घबराहट तो एक चीज़ है ना। यू हैव टू हैव फेथ, वेदर इन गॉड और इन योर पेरेंट्स और इन योर सेल्फ और इन द यूनिवर्स, कि यार जब मैं मेहनत करूँगा ना उसका कुछ ना कुछ तो अच्छा नतीजा निकलेगा ही। ये सब नेगेटिव थिंकिंग सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक जर्नी पे हूँ, मैं एक लंबी मेहनत के रास्ते पे हूँ, मेरे को इतना टाइम मेहनत करनी है, उसका आउटकम पॉजिटिव यूजुअली निकलता है, मेरे को भी निकलना है। दैट इज़ अ फेथ यू हैव टू हैव। ये जो मैंने तरीके बताए आपको, एक गोल बनाओ, उसके रीज़न डालो, फाइंडिंग एक अच्छा ग्रुप बनाओ, एक एक्शन प्लान बनाओ, सेटबैक, ये कॉमन सेंसिकल भी हैं एक तरह से बातें, लेकिन यू हैव टू रियलाइज़ कि यही एक तरीका है जो आप लंबी मेहनत करके एक औकात पार करने वाला काम कर सकते हो। इसके लिए कोई जीनियस नहीं चाहिए, इसके लिए कोई सुपर इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, इसके लिए एक फोकस चाहिए, इसके लिए एक अंदर से आपको एक दिन अकेले बैठ के शांति से बैठे बोलो यार मैं क्यों आया हूँ उस दुनिया में, मैं कुछ बनने के लिए आया हूँ, पहले वो करूँगा मैं दिन में, उसके बाद इंजॉय भी करूँगा। इंजॉय करने के लिए भी हम आए हैं इस दुनिया में, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, और मैं खूब इंजॉय करता हूँ, लेकिन काम पहले होगा। एंड दैट इज़ आई थिंक वॉट मेक्स द डिफरेंस, कि कोई कर जाता है और कोई नहीं करता। फिर आप 10-20 साल बाद देखते हो यार इसने कैसे कर लिया, इसमें तो इतनी क्या ग्रेट बात थी। ग्रेट बात ऐसे नहीं थी, फंडामेंटली नहीं थी, लेकिन वो रोज़ बैठ के अपना काम करता था, बस दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। एंड इफ यू डू इट, इट विल हैपन टू यू ऑल्सो। सक्सेस के टिप्स लोग मुझसे मांगते हैं तो मैं कई बार दे देता हूँ। अंडर प्रोमिस एंड ओवर डिलीवर, ऑलवेज ना जितना लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उससे थोड़ा बेटर करो, 10% 20% बेटर करके दे के जाओ, ताकि लोग आपकी रेपुटेशन मानते हैं। रीइन्वेंट, बार बार कुछ नया अपने आप को बदलना होता है। पैशन एंड इंटेंट, जो पैशनेट आदमी है जिसमें जुनून है वो दिखता है लोगों को और लोग उसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, ये अब फैक्ट है। पेशेंस, आजकल ऐसा हो गया है कि वेबसाइट फटाफट लोड होते हैं, ऐप्स फटाफट खुलते हैं बंद होते हैं, पेशेंस नहीं रही है। लॉट ऑफ यंगस्टर से यार 2 साल हो गए मेरा करियर कहीं नहीं जा रहा है, मेरे को अब तक बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है, एक ब्रांड बनाने में, एक करियर बनाने में 10-20 साल लग जाते हैं। मैं एक्सेप्शनली लकी हूँ इन द राइटिंग फील्ड, लॉट ऑफ राइटर्स डोंट हैव द काइंड ऑफ लक दैट आई हैव हैड, बट मेरी भी पहली बुक 2004 में आई थी, विच आई मस्ट हैव स्टार्टेड राइटिंग 2001, इट्स 2018 नाउ, 17 ईयर्स तो मैंने भी डाले हैं इसमें टू बी वेयर आई एम टूडे, यू नो। So you have to realize it takes time, that patience has to be there. Partnerships are important, you know, the people in your life, you help other people help you, it's important. And finally, humility. Aaj humne success ki baat ki hai. Success milne ke baad usse kaise handle karna hai, wo ek alag talk hai. Wo aaj ka focus nahi tha. Lekin uska nishkarsh yahi hai, ki ek humility rakhna bahut zaruri hai, you know. Paon zameen par rehne chahiye. जब सक्सेस आता है तो दिमाग में जाता है, दिमाग में जाता है तो एरोगेंस आती है। एरोगेंस को मैं स्पीड ब्रेकर बोलता हूँ। जो सक्सेसफुल आदमी एरोगेंट हो जाता है उसका सक्सेस का स्पीड ब्रेकर आ जाता है, वो फिर ग्रोथ बंद हो जाती है। जो हम्बल रहता है वो उसका सक्सेस बढ़ता ही जाता है। आई डोंट नो वाई इट इज, बट दैट्स जस्ट द वे द वर्ल्ड वर्क्स। माई लास्ट स्लाइड इज जस्ट दिस। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है गप्पे मारना, उसकी बुराई कर दी, ये कर दिया, वो देखो वो कैसा लग रहा है, वो ऐसा है, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो कितनी चीज़ें हैं हम अपने बारे में जो बेटर कर सकते हैं। सो आई ऑलवेज से दिस, बी सो बिजी इम्प्रूविंग योर सेल्फ दैट यू हैव नो टाइम लेफ्ट टू क्रिटिसाइज अदर्स, यू नो। एंड विद दैट आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपकी पहली समिट थी एंड आपने मुझे बुलाया, it's truly an honor for me, I really feel very honored।
और मुझे फिर भी ज़रूर बुलाना. आई वुड लव टू कम एंड स्पीक अगेन एंड यू नो ऑल द बेस्ट. आई फील आपको देख के लगता है कि इंडिया में अभी भी होप है. यू नो दैट्स इट. थैंक यू सो मच.